हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीके परी व्लॉग। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड के मातली शहर से। और देखिए, अब तो मातली गांव में नहीं रहा, अब तो मातली बन चुका है ऐसा है। तो फ्रेंड्स, आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज बिल्कुल साफ हो रखा है और बादल एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और हमारे सूर्यदेव पहुँच चुके हैं कुछ यहाँ पर। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 9 बजे, आज थोड़ी लेट हो गई उठने में। और ये देखिए, सामने वाली पहाड़ी पे अभी भी धूप नहीं लगी, क्योंकि आजकल है सर्दी का मौसम, वहाँ तक गर्मी में ही धूप लगती है, सर्दियों में बिल्कुल धूप नहीं लगती। और सर्दियों में से मातली की तरफ तो बिल्कुल चमकती दमकती धूप दिखाई दे रही है। और ये देखिए, तो प्रांजल लगा हुआ अपने ब्लॉग को ऐड बनाने में और शेरू भी आ चुका है बाहर। और तो ये रहा हमारा शेरू। शेरू शेरू, नाक में क्या हो बेटा तेरा? तो शेरू आ गया यहाँ पर, शेरू सेक रहा है अभी धूप, मजे से धूप सेक रहा है अभी। जय आया था कल रात यहाँ पर, तो जय की गाड़ी रखी हुई है यहाँ पर और मेरी गाड़ी यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल बढ़िया सी, आजकल थोड़ी गंदी हो रखी है तो अब इसको संडे को धुला जाएगा। ये देखिए, गंदी हो रखी है और पीछे का टायर मुझे लगता है कि कुछ पंचर हो गया होगा, पता नहीं चल रहा, लेकिन बैठा ये टायर से देखो, देखो टायर बैठ जैसे रहा है, पता नहीं क्या हो गया। कल शाम के टाइम पे जब मैं घर आ रहा था तो थोड़ा बबलिंग मार रहा था टायर, आगे वाला टायर तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन पीछे वाला टायर थोड़ा सा बबलिंग कर रहा था। और प्रांजल की साइकिल हो रखी है यहाँ पर खड़ी, अभी प्रांजल व्लॉग एड बना रहा है तो व्लॉग बनाने के चक्कर से वो अभी साइकिल नहीं उठा रहा है। और देखते आया मैं खेतों की तरफ से, और देखिए हमारा कालू इधर सो रखा है। कालू, तू यहाँ क्या कर रहा? तो इस जंगल देखो, इस झाड़ी झाड़ी में यहाँ पर सो रखा है शेरू। शेरू 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 शेरू, तू यहाँ क्या सो रखा है? तो शेरू कुछ इस तरीके से यहाँ पर सो रखा, धूप सेक रहा है मजे मजे से सुबह सुबह की। शेरू शेरू, ये हमारा शेरू है, छोटा बच्चा तो उधर है, वो तो बांध रखा रहता हमने। और शेरू यहाँ पर सो रखा है खेत में, और मैं इतने दूर आ गया धूप सेकते सेकते। और देखिए, और सामने में नया मकान बना होगा तो उसमें भी लेंटर पड़ चुका है। और सामने रहा हिम कृष्ण स्कूल, और हिम कृष्ण स्कूल की एक खास है, देखिए ऊपर स्टार बना हुआ रहता है, तो देखिए कुछ इस तरीके का स्टार बना हुआ है हिम कृष्ण स्कूल के ऊपर। मधुली आने वाली है बाहर, हर भाभी निकाल रही है अभी मधुली को, आज देर में निकाल रही है क्योंकि यहाँ पर है ठंडा। देखिए धूप अभी आई नहीं, तो अब आने वाली ही है, तो भाई अभी भाभी निकाल रही है मधुली को बाहर। और इस वाले सेट पे रहती है हमारी मधुली, और वो रहती सिंगल ही, तो हमारी मधुली भैंस भी आ गई बाहर। तो ये रही हमारी मधुली भैंस। शेरू उधर था, लेकिन शेरू अभी पहुंच चुका है यहाँ पर, और इसने अपने पूरी रस्सी खोल करके ये यहाँ पहुंच चुका है। शेरू बटू बटू, ये देखिए फिर हमारा नया नया बटू, ठंडा है वहां पर, यहाँ पर बैठ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो ये डॉगी मेरे आगे पीछे घूम रहा है कि कहीं पर गर्म मिल जाए मुझे। ये देखिए प्रयास, प्रयास उठ चुका है खड़ा। हेलो गबरू, हेलो गबरू 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 गबरू, ते डॉगी कहाँ बेटा, कहाँ है ते डॉगी? तो अभी परी लगी है पूरी सफाई करने पर सुबह सुबह, और देखिए सारे कमरे परी ने सफाई कर दिए हैं और बाहर की सफाई अभी हो रही है। लोग अपने अपने काम पर अब रेडी हो चुके हैं, सब अपने अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं। और ये देखिए अब गाड़ियों का यहाँ पर आवागमन जारी हो चुका, बांध चुका है यहाँ पर, और अभी वो रेडी होकर के आ चुका। शेरू शेरू, निकल पड़ते हैं अपने सफ़र के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा उत्तरकाशी तक, क्योंकि किसी काम से। और सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को दिखा लूँगा क्योंकि वो हो रखी है पंचर, तो देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही होगी पीछे वाले टायर पर, और बड़ी ही बबलिंग कर रहा है पीछे वाला टायर। और अभी निकल पड़ते हैं, पहले मैं टायर चेक करा लेता हूँ
और फिर निकलेंगे उत्तरकाशी। और यहाँ पर दिखा लेते पहले अपना टायर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम दिखा रहा होगा, टायर पंचर जैसा लग रहा है, देखते हैं। अभी भैया देख रहे हैं उस टायर को कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है उस पर। सबसे पहले भर लेते हैं हम यहाँ पर हवा, तब पता चल पाएगा कि इस पर क्या पंचर हुआ है कि क्या हुआ है। तो अभी भैया चेक कर रहे हैं कि पंचर कहाँ पर हो रखा है गाड़ी। स्कूटी पे भी हवा चेक करा ली है, पंचर का कोई सीन नहीं है, सिर्फ हवा ही कम थी टायर पे, तो हम भैया ने हवा भर दी है। अब निकल पड़ते हैं अपनी ये जी गाड़ी पे हवा भरवा दी है, पंचर का कोई सीन नहीं था, पंचर तो हो नहीं रखी थी गाड़ी, सिर्फ हवा कम थी पीछे वाले टायर पे, तो मैंने दोनों टायर की हवा भी चेक करा ली है। अब निकल पड़े हैं हम उत्तरकाशी के लिए, अभी पहुँचे हैं फिलहाल माँ बड़ेती की तरफ और देख ही रहे होंगे। चलते चलते मैं रुका हूँ एक सुंदर सी लोकेशन पर, देखिए यहाँ से पूरा उत्तरकाशी का नज़ारा दिख रहा है, और ये सामने जो है ये मनेरा है, और ये देखिए आजकल भागीरथी नदी बिल्कुल कम हो रखी है, और ये देखिए पानी को इस तरीके से पाइपों से खींचा जा रहा है नदी से ऊपर के लिए। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला जो लोकेशन है ये है आपकी 1100, और इसी के जस्ट सामने, इसी को पार करने के बाद हमें लगता है मार्केट उत्तरकाशी। और चलिए जी ये पक्षी तो अब बिल्कुल दुर्लभ हो चुके हैं फ्रेंड देखने के लिए। ये है गरुड़, और देखिए बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, बड़ी ही कम संख्या में ये वाली पक्षी देखने को मिल रही है अब। और अब निकलते हैं, अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्तरकाशी, कुछ उत्तरकाशी में काफ़ी भीड़ लग चुकी है, और उत्तरकाशी में रामलीला मैदान पर लगने वाला है माघ मेला, तो यहाँ पर चल रही है तैयारियाँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले मार्केट का काम निपटा लेता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से मार्केट की तरफ, पहले उसे निपटा लेता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स उत्तरकाशी का रामलीला मैदान, और यहाँ पर चल रही है 8 तारीख की तैयारी, 8 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं हमारे माननीय CM यानी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, और कुछ तिरंगे की तरह के यहाँ पर टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं। देखिए इधर स्टॉल बनाई जा रही है, और इधर ये टेंट लपनाल बन रहा है, और ये स्टेज प्रोग्राम के लिए बन रहा है यहाँ पर। आप देखिए सुमित कुछ कहना चाह रहा है, तो सुमित जी बोलिए, सुमित क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलो बोलो, कैमरे इधर भी करो। तो इनकी हो रही है अभी लड़ाई, और प्रांजल की साइकिल आ चुकी है कुछ इधर से। हेलो प्रांजल, कैसे बेटा, कहाँ जा रहा तू अभी साइकिल लेके? अच्छा सुमित खेल रहा अभी साइकिल, तो अभी आई थी यहाँ पर चाची, तो चाची ने गड़ा रखा अभी प्रियांश को, और सना लोग भी यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, और सुमित कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उसके मन ही में कुछ बात रह रही है। सुमित कुछ कहना चाह रहे तो बोल दे। नहीं। और यहाँ पर पहुँच रखा है यस भी, गप्पी तो लग रही है इनके लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। तो गाइस ये देखिए ये प्रियांश, और ये प्रियांश की दादी। मार्केट का सारा काम निपटा करके मैं पहुंच चुका हूं अभी घर पे, और शाम की बज चुकी है अभी 5, और मैं मजे से घूम रहा हूं कुछ इधर, देख ही रहे होंगे। और यहां पर आ रखे हैं मेरे चाचा के लड़के अभी, तो ये मस्ती मजाक कर रहे हैं अभी यहां पर। और देखो मैंने स्कूटी रखी थी यहां पर, तो स्कूटी के ऊपर देखो कुछ मेहमान बैठे। तो ये देखिए यहां पर देखो शेरू यहां पर आ रखा, मेरी गाड़ी के ऊपर बैठ रखा। आजकल यहां पर कुत्ते के बच्चे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए ये इसका बेटा है। हेलो शेरू, डॉगी डॉगी डॉगी, तो ये डॉगी जो है इसका बच्चा है। अच्छा तो ये इसका बच्चा नहीं है, लेकिन ये देखो वो काटना मत उसे, काटना नहीं उसे। शेरू तो प्रियांश सर, प्रियांश की दादी अभी लड़ रही है, प्रियांश की दादी लड़ रही है अभी यहाँ पर। ये देखो रखी मनीषा, ठीक है तू आजकल तेरे स्कूल की छुट्टी पढ़ रखी होगी ना, कौन सी कक्षा में पढ़ रही तू? कक्षा 2 में।
स्कूल का नाम बताओ आप ना। अच्छा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिटिया। ठीक है ठीक है। और बढ़िया, ठीक पढ़ाई होती है ना तेरे स्कूल में, मस्त वाली। अच्छा, और तेरी दीदी कितने में पढ़ती है? चार। और खुशी कितने में पढ़ती है? वो खुशी क्यों नहीं लाए तूने अभी? अच्छा, दादी के साथ जा रखी है। प्रांजल के दोस्त यहाँ पर साइकिल खेल रहे हैं, और देखिए यहाँ पर आ रखी है अभी इनकी 3 साइकिल। तो ये देखो, 2 बच्चे वहां पर खेल रहे हैं और प्रांजल यहाँ पर। झाड़ी में क्यों चला रहे तू साइकिल? रास्ता कहाँ से? क्या रास्ता? क्या, क्यों रुका तू साइकिल से? अच्छा, मैंने बोला। और तू भी जानती साइकिल चला के? तो इसका नाम है मनीषा। अच्छा, तेरा नाम अनीसा है? चैनल का नाम क्या है? पीके परी ब्लॉग। पीके परी ब्लॉग। हाँ, आज की दिनचर्या कुछ इस तरीके से रही फ्रेंड्स, और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।